जय हिंद साथियों मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ आनंद चौहान में कैसे आप सभी आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो भाई आज हमारा मैथ का जो टर्न है काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी कमेंट पर कमेंट आ रही थी कि सर मैथ को कंटिन्यू करिएगा तो भाई आप सभी को पता है कि एक तारीख से हमारी जो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी मैंने दो तारीख से स्टार्ट किया था यानी कि कल से और आपको रीजनिंग की और मैथ को छोड़कर बाकी आपकी सभी क्लासें हुई थी लेकिन आज से आपकी मैथ की क्लास भी कंटिन्यू होगी ठीक है चलिएगा तो आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथ में अभी तक हमारे चार जो चैप्टर हैं दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं और यदि अभी तक आप लोगों ने उन चारों चैप्टरों को नहीं देखा है मैथ्स के तो उन चारों चैप्टर्स को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेंगे ठीक है सारी वीडियोज़ प्ले में मिल जाएगी बहुत अच्छे से समझाया आपको एक एक क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं उनको भाई अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और जिसने भी नहीं देखा तो भी देख लेना प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रोपोजन रेशियो एंड प्रोपोजिशन जिसके आज हम आपसे जो क्वेश्चन है एक से लेकर तीस तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के जो शेष क्वेश्चन रह जाएंगे उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ठीक है ये हमारा पहला वीडियो है अनुपात और समानुपात का तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हालांकि इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है आपके बेसिक क्वेश्चन हैं और जहाँ से भी हमें आपको बेसिक समझाना होगा उससे पहले हम आपको बेसिक समझा देंगे ठीक है तो चलिएगा दोस्तों अभी हम करते क्या है सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ही स्टार्ट करते हैं तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके ठीक है भाई और वीडियो अच्छा लगे तो भी वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई ठीक है चलिएगा तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ अनुपात एंड समानुपात का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग और आंसर जरूर किया करें ठीक है भाई आंसर भाई सभी लोग किया करो कि आप लोगों का आंसर जो है भाई ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग भी आंसर कर भी पा रहे हो या नहीं जहाँ कहीं पर भी समस्या हो तो आप भाई कमेंट करके आप लोग हमसे जरूर पूछ सकते हो ठीक है भाई आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत बताया जाएगा तो चलिएगा भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कह रहा है कि यदि ए अनुपात पी का मान जो है पाँच अनुपात आठ है और बी अनुपात सी का मान चार अनुपात सात है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए बारह जनवरी दो हज़ार तेईस को एस एस सी जी डी में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है बेहद आसान क्वेश्चन है चलिएगा कर लेते हैं भाई तो देखिएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों आपको दो तरीके से करना सिखाएंगे ठीक है भाई दो तरीके से करेंगे भाई पहला तरीका देखेंगे ठीक है ये पहली टाइप है दोस्तों जैसे कह रहा है कि ए अनुपात बी ए अनुपात बी का रेशियो कितना दिया गया है? तो आपको भी सर ए अनुपात बी का जो रेशियो दिया गया है वो हमें दिया गया है पाँच अनुपात आठ आगे।, आगे कह रहा है कि बी अनुपात सी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो आप कहोगे सर ये हमें दिया गया है चार अनुपात सात दिया गया है कितना दिया गया चार अनुपात सात दिया गया है क्लियर यहाँ तक तो भाई आप लोगों ने कर लिया होगा अब देखिए आगे कह रहा है तो हमसे पूछा है कि बताइएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना जब भी इसको ये पहला तरीका मैं बता रहा हूँ जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए ए बी का मान इतना है बी सी का मान इतना है तो तीनों का मान बताइए तो आपको हमेशा उल्टी यानी याद रखनी उल्टी यानी जानते हो कैसे जैसे कि पाँच के गुणा चार में करनी है और चार की गुणा आठ में और आठ के गुणा सात में इस प्रकार से ये वाला आपको याद रखना है ये एन बस इसको याद रखो कि इस प्रकार से आपको गुणा करना है जैसे पाँच की गुणा चार में कर देंगे तो कितना आ जाएगा तो आपको सिर्फ पाँच चौकों बीस अनुपात आ जाएगा चार की गुणा सीधे आठ में करेंगे तो चार अठे कितना जाएगा? हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा रेशियो आठ की गुणा सात में कर देंगे तो आठ सत्तीस छप्पन हो जाएगा ये तो भाई आप सभी लोगों ने बेसिक तो पढ़ा होगा अच्छे से क्लियर तो भाई ए अनुपात बी अनुपात सी का तीनों को मान आ गया अब इसको काटेंगे यदि कट जाएगा तो ठीक है नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा तो भाई काटेंगे तो किससे कटेगा भाई तो आप क्वेश्चन इसको चार से काट देंगे चार से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा तो आपको अक्सर ये हो जाएगा चार पंचे बीस चार अट्ठे बत्तीस और ये चार से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा चौदह चौको छप्पन यानी कि चौदह बार तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात का रेशियो कितना निकल के आ गया पाँच आठ चौदह यानी कि आपको अक्सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाँच अनुपात आठ अनुपात चौदह ये तो था दोस्तों हमारा पहला मेथड ये हमारा जो था ये था हमारा पहला मेथड समझ गए होंगे ना आप लोग चलिएगा अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ ठीक है भाई समझ तो गए हैं आप लोग इसको मैं इरेज कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं चलिएगा इसको मैं कर देता हूँ इरेज स्क्रीन लेना चाहो तो ले लो अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको इरेज अब बताता हूँ आपको दूसरा मैथड दूसरा मैथड देखो कैसे कर सकते हो भाई दूसरे मैथड में कह रहा है कि ए अनुपात बी का रेशियो इतना है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे रेशियो कि ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया भाई हमें दिया गया है पाँच अनुपात आठ दिया गया है ठीक है फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी यानी कि हमें तीनों का मान निकालना तो यहाँ पर सी लिख लेंगे तो बी अनुपात सी इसी के नीचे लिख लेंगे इसके आगे नहीं लिखना है कितना अभी चार अनुपात सात है तो बी का मान चार है और इसका सी का मान कितना है सात है अब आप कहोगे सर यहाँ पर हमें सी के नीचे यहाँ पर एक स्थान बाकी है एक स्थान दोस्तों आपका यहाँ पर बाकी है और एक स्थान आपका यहाँ पर बाकी है अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे जो इस ब्रैकेट के पास में जो भी संख्या होगी हमें वही को लिख लेना है जैसे इस ब्रैकेट के पास में कौन सी संख्या है? तो आपको सर आठ है तो यहाँ पर आठ लिख लेंगे अब इसके ब्रैकेट के पास में कौन सी संख्या चार है? है तो यहाँ पर चार लिख लेंगे और सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाँच चौको बीस हो जाएगा भाई आठ चौको बत्तीस हो जाएगा और आठ सत्ते कितना हो जाएगा छप्पन काट देंगे इसको तो कितनी बार कटेगा पाँच से पाँच चौको बीस ये चार पंचे सॉरी चार से काटेंगे ना चार पंचे बीस हो जाएगा चार पंचे बीस चार अट्ठे बत्तीस और चौदह चौकू छप्पन तो भी देखो इस तरीके से कर सकते हो तो पाँच आठ चौदह आ गया तो भाई एक दूसरा तरीका आपका ये हो गया तो ये दोनों तरीके बेस्ट हैं अपने आप में बेहद आसान है उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे एग्जाम हॉल में आप लोगों को, को कोई दिक्कत नहीं होगी चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो में आपको दिया गया एम अनुपात एन अनुपात पी का मान तीन सात पाँच है तो पी और क्यू का अनुपात इतना है तो एम और क्यू का मान निकालना है भाई हमसे किसका पूछा एम और क्यू का मान पूछा है। ये क्वेश्चन आपके बाईस फरवरी दो को फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन नंबर तो बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए अगला भी क्वेश्चन भाई बिल्कुल आसान सा है बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग कर कर्मीज भी लोग भी चलिएगा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दो भाई एम अनुपात एन अनुपात पी यानी कि यहाँ पे तीनों का रेशियो हमें दिया गया कितना दिया भाई आपको सर एम अनुपात एन अनुपात पी इन तीनों का रेशियो आपको दिया गया है तीन अनुपात सात अनुपात पांच ठीक है भाई फिर आगे क्या कह रहा है यह पाँच बना है ठीक है याद रखना है दोस्तों तीन सात पाँच का रेशियो दिया है और कह रहा है कि पी और क्यू का अनुपात एक अनुपात दो अब भाई देखो पी के साथ में एक बंदा और आ गया जिसका नाम है क्यू यानी कि अभी पी के साथ में एक कोना है अभी एक चौथा बंदा आ गया क्यू और इसका रेशियो कितना भी आपको सर एक रेशियो दो दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं पी और क्यू का मान कितना दिया एक अनुपात दो दिया गया क्लियर अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो स्थान बाकी बच गया यहाँ पर तो एक आपका स्थान बच गया एक आपका स्थान यहाँ पे बचेगा एक स्थान आपका यहाँ पे बचेगा तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई अभी जस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि इसमें ब्रैकेट में हमें वही संख्या लिखनी है जो सबसे पास में संख्या होगी जैसे कि यहाँ पे Q के पास की संख्या कौन है तो पाँच है तो यहाँ पे पाँच आ जाएगा यहाँ पे कौन आएगा भाई इसके पास की संख्या कौन है आपको सर एक है अब इस ब्रैकेट के पास भी, भी एक है तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा भाई एक आ जाएगा तो भाई यहाँ पे मैं इसको यहाँ एरेंज कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से समझ सके ठीक है भाई तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख लूँगा तो आपको सर यहाँ पे आप लिख लेंगे एक क्या लिख लेंगे भाई एक ठीक है भाई यहाँ पे भाई क्या लिख लेंगे एक लिख लेंगे तो यहाँ पर भाई क्या आ गया एक इसके भी पास की संख्या क्या है एक यहाँ पर क्या आ गया पाँच क्लियर बस अब हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा था एम और क्यू का मान हमें सभी से मतलब नहीं है हमें मतलब केवल एम से है और मतलब क्यू से है तो बस इन्हीं दोनों का तो रेशियो निकालना था तो निकाल लो तो भाई तीन एकम तीन हो जाएगा और पाँच दूनी कर देंगे तो ये दस हो जाएगा तो रेशियो भाई कितना आ गया तो आपको सर तीन रेशियो दस तीन रेशियो दस ये किसका है तो भाई ये एम और क्यू का है तो भाई तीन अनुपात दस पूछा था ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने ये रहा बेहद आसान क्वेश्चन है भाई यहाँ पे हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो दिया है सी डी का भी रेशियो दिया है और हमसे क्या कहा है कि हमें चारों का मान बताना है चारों का यानी कि ए बी सी डी इन चारों का रेशियो क्या होगा एक मार्च दो हज़ार चौबीस का क्वेश्चन है करेंगे भाई बढ़िया क्वेश्चन है बेहद आसान क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन दोस्तों उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर दो की तरह सेम क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना है जैसा क्वेश्चन हम नंबर दो में किया था वैसा इसमें भी करना है देखो ध्यान से समझेंगे चीज़ों को क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी का रेशियो कितना दिया भाई ए रेशियो बी और रेशियो कितना दिया है सी इनका रेशियो में दिया गया दो अनुपात पाँच अनुपात तीन अब कह रहा है कि भाई सी के साथ में एक बंदा और आया है सी के साथ में कौन आ गया अब कह रहा है सी और डी का रेशियो इतना है तो यानी कि यहाँ पर एक नया लड़का और आया है जिसका नाम क्या है वो डी है तो ये हो गया सी और डी इसका रेशियो कितना है पाँच और रेशियो आ गया है? दो तो यहाँ पर भाई दोस्तों आपका स्थान बचेगा तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा तो इसके पास की संख्या कौन है डी के या तो यहाँ पर आपका तीन आ जाएगा यहाँ पे कौन है तो पाँच आ जाएगा अब भाई पाँच जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी पाँच आ जाएगा क्योंकि ये एक लाइन में होंगे सबके सामने होंगे सबके पास में होंगे क्लियर तो अब यहाँ से पूछा ए बी सी डी का यानी कि हमें इन चारों का रेशियो बताना है इन चारों का हमें रेशियो क्या करना है हमें इन चारों का रेशियो बताना है तो यहाँ से हमें बी का भी रेशियो बताना है सी का भी रेशियो बताना है और साथ ही साथ डी का भी रेशियो बताना है तो भाई कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई सभी की कर देंगे भाई सभी की मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई ठीक है तो कर दो भाई मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा तो आपको भी तरह ये हो जाएगा दो पंचे दस पाँचम पच्चीस हो जाएगा तीन पच्ची पंद्रह हो जाएगा तीन दूनी छः हो जाएगा तो आ गया रेशियो दस पच्चीस पंद्रह छः तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दस पच्चीस पंद्रह छः ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बताओ भाई कोई दिक्कत हुई किसी को यहाँ तक क्लियर हो गया ना चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार ये रहा अब देखेंगे इसको भी हम रेशियो में इसको लिख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार में कि ए अनुपात बी का रेशियो कितना है बारह अनुपात पाँच दिया तो यहाँ पे लिखेंगे ए रेशियो बी कितना दिया गया है बारह अनुपात पाँच दिया गया है फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी का रेशियो कितना दिया गया है पंद्रह अनुपात सोलह तो यहाँ पे लिख लेंगे पंद्रह रेशियो कितना आ जाएगा सोलह फिर इसके बाद कह रहा है कि सी और डी का रेशियो कितना तो सी अनुपात डी यानी कि यहाँ पर डी और है तो इसका रेशियो कितना दिया गया इसका रेशियो दिया गया है? चार रेशियो सात दिया गया है. तो भाई यह आपके सामने इस प्रकार का बन जाएगा ठीक है भाई अब यहाँ से देखना है ध्यान से ध्यान से चीज़ों को देखना है अब यहाँ पर एक तो स्थान आपका ये है एक स्थान आपका यहाँ पर है एक स्थान आपका यहाँ पर बचा एक स्थान आपका यहाँ पर है एक स्थान ये है और एक स्थान ये है क्योंकि यहाँ पर क्या बचा स्पेस अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी तो वही संख्या आएगी जो पास में होगी तो इसकी संख्या पाँच है तो पाँच यहाँ पर भी आ जाएगा पाँच यहाँ पर भी आ जाएगा यहाँ पर सोलह आ जाएगा पास में इसके पास में पंद्रह है तो पंद्रह आ जाएगा इसके पास में चार है तो चार यहाँ पर है तो चार यहाँ पर भी पास में आ जाएगा बस बन गया रेशियो अब चाहो तो आप लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई कर लो या तो इनको डायरेक्ट हम काट भी सकते हैं इनको चाहे तो हम डायरेक्ट तो काट भी सकते हैं कैसे काटेंगे भाई देखो ध्यान से देखो अब भाई गुणा करोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा हालांकि गुणा से भी आ जाएगा जैसे कि पंद्रह चौकू साठ की गुणा इसमें कर लेंगे और इसकी सोलह की गुणा सात में कर लेंगे इनको काट लेंगे जो रेशियो निकलेगा उससे ऊपर वाले की गुणा करके तो भी हम निकाल सकते हैं ठीक है तो इससे क्या है कि कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी गुणा हमें करना पड़ेगा इसको डायरेक्टली काट लेते हैं देखो यहाँ से चार से चार कट जाएगा और ये चार से कट जाएगा सोलह तो कितनी बार कटेगा चार बार तो चार चौकों सोलह अब और कर्न कटेगा तो भाई यह ये देखो यहाँ से ध्यान से देखना पाँच कटेगा पाँच से पाँच कट जाएगा पाँच से ये पाँच कटेगा पाँच कट तिया पंद्रह हो जाएगा अब तो भाई कुछ कटेगा नहीं क्यों नहीं कटेगा क्योंकि भाई सारी पॉइंट्स कट चुके हैं तो अभी आप बारह यहाँ पर तीन तो इसकी गुणा कर देंगे तो बारह तिया कितना हो जाएगा अभी छत्तीस हो जाएगा भाई रेशियो ये कितना हो जाएगा भाई तो आपको भी सर ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा पंद्रह बचा है तो यहाँ पे पंद्रह हो जाएगा यहाँ पे कितना बचा है यहाँ पे सोलह बचा है सोलह और ये चार सत्य कितना हो जाएगा भाई अट्ठाईस आ जाएगा क्लियर हमसे पूछा ए अनुपात सी हमसे किसका पूछा है ए का पूछा है और सी का पूछा है तो ए का मान कितना भाई ए अनुपात सी बराबर रेशियो दिया गया है छत्तीस और अनुपात में दिया गया सोलह भाई इसको काट लेंगे तो कितने से कटेगा तो आपको इस चार से तो चार नुमाई हो जाएगा छत्तीस और चार चौको हो जाएगा सोलह तो भाई रेशियो कितना आ जाएगा तो रेशियो आ गया दोस्तों नौ अनुपात चार कितना आ गया नौ अनुपात चार है तो ये भाई ऑप्शन नंबर ए में दिया है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नौ अनुपात चार रेशियो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँच आपके सामने ये रहा ए बराबर दो बटे तीन बी और बी बराबर तीन बटे पाँच सी तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई देखो कैसे करना है अच्छा क्वेश्चन है भाई सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई देखते कैसे करते हैं देखिएगा भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझिएगा बटे को देख बिल्कुल भी घबराना तो है ही नहीं जैसे यहाँ पर दिया दोस्तों ए बराबर दो बटे तीन बी ए बराबर दो बटे तीन बी दिया गया है अब यहाँ पर जो ए बराबर दो बटे तीन बी दिया गया इसमें से क्या करेंगे जो आपका ये बी है तो इसको हम लिख लेंगे ए के नीचे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका ए बटे बी क्या हो जाएगा ए बटे बी उसी प्रकार से यहाँ पर जो सी है या बी के बटे में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी बटे सी आप कहोगे सर ये बटे में क्यों लिखा बटे में दोस्तों मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दो बटे तीन इंटू बी ये दोस्तों यहाँ पर बी गुणा में है तो ये बी गुणा में है तब यदि नीचे यहाँ पर लाएंगे तो ये बी कहाँ पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा भाग में बी इधर गुणा में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में

बी का मान यहाँ से भी देखो तीन है और बी का मान यहाँ पर भी तीन है जब b का मान दोनों जगह सेम है तो यहाँ से हमें क्या करना होता है जहाँ पर देखो चीज़ें कॉमन होती हैं जब चीज़ें कॉमन होती हैं तो उसे हमें दोबारा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है ठीक है भाई क्योंकि जब b का मान यहाँ पर भी तीन है तो यहाँ पर नीचे लिखने से तीन कोई फ़ायदा नहीं यदि बी का मान थोड़ा सा परिवर्तन होता तो तो हम इसको अलग लिख लेते जब बी का मान यहाँ पर भी तीन है बी का मान यहाँ पर भी तीन है तो यहाँ से हमें कुछ भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से भी सी का मान कितना है तो सी का मान पाँच है तो तीन रेशियो पाँच आ जाएगा तो हमसे यही तो पूछा था कि ए और बी का रेशियो कितना है तो भाई देखो आ गया ना दो तीन पांच तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दो अनुपात तीन अनुपात पांच इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर भाई कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में भाई चलिएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः जिसको भी वीडियो कम समझ में आ रहा हो वही वीडियो को दोबारा देख लेना पहली बात तो मैं एक ही बार में कोशिश करता हूँ आपको एक ही बार में चीजें जो है समझ में आ जाए ठीक है भाई चलिएगा क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने ये रहा सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर पाँच की तरह देखो यहाँ पे दिया एक्स बराबर तीन बटे आठ गुणे बाई तो यहाँ पर गुणे में बाई तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बटे बाई यहाँ से जो जेड आपका गोड़ा में है तो यहाँ से आ जाएगा बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बाई बटे जेड हो जाएगा बाई बटे जेड हो जाएगा तो यहाँ से दोस्तों हम एक्स रेशियो वाई और रेशियो जेड का मान निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से तो यहां से भाई यहाँ से एक्स और बाई का रेशियो कितना दिया है? तो आपको सर यहाँ पर दिया है तीन रेशियो आठ कितना दिया है मेरे भाई आपको सर यहाँ पर जो रेशियो दिया वो कितना दिया है तीन रेशियो आठ का रेशियो दिया है और यहाँ पर वाई और जेड का रेशियो कितना है तीन और चार अब देखो यहाँ से वाई का मान चेंज हो गया ना तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे भाई तीन और जेड का रेशियो कितना है चार यदि वाई का रेशियो आठ होता तो भाई इसको हम दोबारा अलग से नहीं लिखते यही आठ ही लिखा रहते और ऊपर सीधे चार लिख देते क्लियर तो भाई यहाँ पे अभी पास में कौन सी संख्या आ जाएगी तो इसके पास में आठ है तो यहाँ पे आठ आ जाएगा इसके पास में तीन है तो यहाँ पे तीन आ जाएगा बस यहाँ से क्या पूछा एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा तीन त्रिका नौ आठ तियाँ कितना हो जाएगा भाई आठ तियाँ हो जाएगा चौबीस तो यहाँ पे लिख लेंगे चौबीस और आठ चौकों कितना हो जाएगा बत्तीस तो रेशियो आ गया दोस्तों नौ चौबीस बत्तीस नौ चौबीस बत्तीस कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छः का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक चलिएगा बहुत बढ़िया सभी के आंसर भाई बिल्कुल सही आते हुए चलिएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने ये रहा थ्री टी बराबर टेन यू और फाइव यू बराबर सात भी तो टी यू और यू वी का मान कितना होगा टी यू और वी का दोस्तों क्या पूछा है हमसे रेशियो पूछा है चलिएगा करते हैं सॉल्व ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है देखिएगा करते हैं सॉल्व देखो यहाँ पे भी दोस्तों कितना दिया थ्री टी और टेन यू आप सभी जानते हो जब आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी भाई ऐसा कोई बच्चा तो होगा नहीं जो बिगनर हो भाई आप लोगों में से काफ़ी बच्चे बिगनर होंगे बाकी जो काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे होंगे तो आप सभी जानते हो जब भी इस प्रकार का लिखा लिखा होता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है थ्री और बराबर में कितना लिखा है टेन तो कभी भी दोस्तों पहली वाली संख्या का जो मान होता है वो दूसरी संख्या में ही जाता है जैसे कि तीन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई तो यहाँ से तीन का मान क्या होगा का मान तो दस हो जाएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे हमेशा का मान कैसा होगा एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं जैसे का मान दस है और यू का मान कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा इस प्रकार से होता है तो का मान कितना है भाई दस हो जाएगा और यू का मान तीन हो जाएगा तो यहाँ से समझ में आ गया उसी प्रकार से यू का मान यहाँ से सात हो जाएगा और वी का मान कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा क्योंकि क्या ये गुणा में लिखे हैं बराबर में ठीक है भाई और यहाँ से क्या टी का मान दस है और यू का मान तीन है जितना भी सभी को पता है चलिएगा तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ इरेज अब इसको भाई लिख लेते हैं रेशियो मेथड में ठीक है रेशियो में इसको लिख लेते हैं जैसे यहाँ से मुझे निकालना है टी और व्यू का रेशियो टी का निकालना है और यू रेशियो वी का मान निकालना है तो यहाँ से टी का मान कितना निकाला था मैंने दस निकाला था रेशियो यू का मान कितना था तो यू का मान यहाँ से आया था तीन यू का मान कितना आ गया था तीन अब यहाँ से U और V का मान U का मान कितना यहाँ पे दिया है सात रेशियो V का मान कितना यहाँ पे आ गया था पाँच आ गया था आ गया था ना भाई इसी प्रकार से किया आप लोगों ने भाई बहुत अच्छे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे V के पास में संख्या कौन है तीन है तो ये रेशियो तीन आ जाएगा यहाँ पे कौन सी संख्या पास में आ जाएगी सात आ जाएगी बस टी और व्यू का निकालने के लिए इसे सभी का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दस सत्य सत्तर हो जाएगा तीन सत्य इक्काईस हो जाएगा और तीन पच्चीस कितना हो जाएगा भाई हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? सत्तर का आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सी में ऑप्शन दिया गया है एक मार्च को आया था भाई एक मार्च दो हजार चौबीस को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन था क्लियर चलिएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का रेशियो इतना है और चीनी और मक्खन का रेशियो इतना है तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात क्या होगा बेहद आसान क्वेश्चन अभी बेहद आसान सा क्वेश्चन ये बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की तरह तरफ जिसमें मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था बस बैसता ही बस इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिख दिया है जैसे कि यहाँ पर क्या रेसिपी है एक जिसमें आटा है चीनी है और मक्खन है तो यहाँ पर अभी क्या ले लेते हैं आटा ले लेते हैं और चीनी का रेशियो और मक्खन का रेशियो तो यहाँ पर लिख लेते हैं आटा रेशियो आ जाएगा आपका चीनी और रेशियो किसका आ जाएगा मक्खन का ठीक है भाई यहाँ पे दोस्तों आपके तीन पदार्थ हैं आटा और चीनी और मक्खन ठीक है भाई अब इनका ले लेते हैं रेशियो जैसे कि आटा और चीनी आटा और चीनी का रेशियो कितना है तीन अनुपात दो है तो इसका रेशियो आ जाएगा तीन रेशियो आ जाएगा दो क्लियर इसके बाद कह रहा है कि चीनी और मक्खन और भाई चीनी और मक्खन का रेशियो कितना है चार रेशियो तीन है चार रेशियो तीन है तो इसका रेशियो आ जाएगा चार अनुपात तीन आ जाएगा भाई आ गया ना अब क्या करना भाई कुछ नहीं बस इसके स्थान पर क्या आ जाएगा तो आपको भी तरह यहाँ पर तो भाई रेशियो आया था तो यहाँ पे इसके पास में दो आ जाएगा और इसके पास में चार आ जाएगा बस आपस में सबके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा तीन चौको बारह रेशियो चार दूनी आठ और तीन दूनी कितना हो जाएगा छः हमसे किसका पूछा हमसे पूछा है आटा और मक्खन का रेशियो किसका पूछा है मेरे भाई आपको भी तरह आटा और मक्खन तो आटा ये रहा और मक्खन ये रहा चीनी से कोई मतलब नहीं तो आटा आपका ये बारह है और मक्खन कितना छह तो काटेंगे रेशियो तो कट जाएगा तो यह हो जाएगा छह एकम जाएगा छह दूनी बारह तो रेशियो कितना जाएगा? आ जाएगा दो अनुपात एक दो अनुपात एक का रेशियो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दो अनुपात एक के रेशियो में आटा और मक्खन का अनुपात हो जाएगा क्लियर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नौ क्वेश्चन नंबर नौ है P अनुपात Q का मान इतना है Q अनुपात R का मान इतना है तो Q रेशियो P प्लस आर का मान कितना होगा बेहद आसान क्वेश्चन है भाई बस थोड़ा सा लेवल को बढ़ा नहीं रहा है बस क्वेश्चन को घुमा रहा है लेवल वही है आपका ठीक है चलिएगा कुछ नहीं करना मेरे भाई जैसा आपने क्वेश्चन को कर पा रहे करते थे वैसे ही सॉल्व करना है ठीक है सबसे पहले इन तीनों का रेशियो निकालो सबसे पहले करना है कि इन तीनों का रेशियो निकालना है तो क्या है पी और क्यू P है Q है और R है अभी P और Q R का तीनों का रेशियो निकालना है तो P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो निकालना है तो P का मान कितना भी P का मान है पाँच रेशियो कितना दिया गया है तीन दिया गया है Q और R का रेशियो कितना है दो है और रेशियो पाँच दिया गया है ठीक है भाई यहाँ पे इसके पास में यहाँ पे तीन आ जाएगा और इसके पास में यहाँ पे दो आ जाएगा भाई सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाँच दूनी दस तीन दूनी छः रेशियो तीन पच्ची आ जाएगा पंद्रह तो ये कितना आया रेशियो दस छः पंद्रह हमसे पूछा है क्यू और पी प्लस आर का मान हमसे किसका मान पूछा है तो आप कहोगे तरह हमसे मान पूछा है क्यू प्लस क्यू रेशियो है ना तो क्यू रेशियो ब्रैकेट में दिया गया है पी प्लस आर का मान तो यहाँ से देखो आपने तीनों के मान निकाल लिए भाई मान रख देंगे आंसर आ जाएगा मान रखेंगे तो क्यू का मान कितना है तो क्यू का मान आ गया छः रेशियो ब्रैकेट पी का मान कितना है दस है प्लस आर का मान कितना है भाई पंद्रह भाई सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा तो इस यहाँ पे कितना आ गया तो छः आ गया था दस और पंद्रह कितना हो जाएगा भाई पच्चीस हो जाएगा तो ये कितना आ गया भाई छः अनुपात पच्चीस छः अनुपात पच्चीस ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भाई छः अनुपात पच्चीस का रेशियो आ जाएगा जो कि क्यू अनुपात पी प्लस आर का मान हो जाएगा क्लियर कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझने में भाई चलिएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस सेम क्वेश्चन है भाई सेम क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर दस जैसा अभी हमने इसको किया था क्वेश्चन नंबर नौ को तो वैसा ही दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन नंबर दस हो जाएगा देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर दस को कैसे करना भाई देखो सेम है तो यहाँ पर भाई पी रेशियो क्यू और रेशियो आर का मान निकालना है सबसे पहले तो निकालेंगे भाई पी का मान दिया गया छः अनुपात पाँच क्यू और आर का मान कितना दिया गया भाई क्यू और आर का मान कितना दिया गया है तीन रेशियो चार तीन रेशियो चार, तीन, रेशियो, चार तो इसके पास में कौन सी संख्या आ जाएगी यहाँ पे पाँच आ जाएगा इसके पाँच में यहाँ पर तीन आ जाएगा भाई सबको ऐड कर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो छः तियाँ अठारह आ जाएगा पाँच तियाँ पंद्रह हो जाएगा पाँचों को बीस हो जाएगा हमसे क्या पूछा Q अनुपात P प्लस आर किस मान निकालना है मेरे भाई तो Q अनुपात P प्लस आर का रेशियो निकालना है P प्लस आर का हमें रेशियो निकालना है तो Q का मान आपके सामने दिया गया है मेरे भाई कितना दिया गया भी अठारह रेशियो P का मान कितना है भाई सॉरी क्यू का मान कितना है पंद्रह है क्यू का रेशियो कितना दिया गया क्यू का रेशियो दिया गया पंद्रह रेशियो और पी का मान कितना दिया गया पी का मान दिया गया अठारह प्लस आर का मान कितना दिया गया बीस भाई सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा तो आपको अक्सर बीस दस तीस आठ अड़तीस तो ये आंसर कितना आ गया अभी पंद्रह रेशियो अड़तीस आ जाएगा कितना आ जाएगा अभी पंद्रह रेशियो अड़तीस किस ऑप्शन में, में मेरे भाई तो आपको सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पंद्रह रेशियो अड़तीस ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लियर जैसा क्वेश्चन नंबर नौ वैसा ही क्वेश्चन नंबर दस उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा अब तो समझ में आ गया होगा भाई चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह भाई आपके सामने ये रहा बेहद आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग्यारह को करेंगे सॉल्व ए अनुपात बी का रेशियो इतना है तो हमसे ए अनुप्लस बी फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान कितना होगा सी प्लस ए का मान कितना होगा भाई देखो बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई देखते ही आंसर हो जाएगा बिना कॉपी पेन के बिना कॉपी पेन के आंसर हो जाएगा भाई देखो यहाँ से करना क्या कुछ नहीं करना है यहाँ से ए और बी ए प्लस बी का मान निकालना है ना तो ए प्लस बी के मान के निकालने के लिए को ए का मान दो है बी का मान ये है तो भाई ए प्लस बी आपको निकालना है तो ए प्लस बी का मान कितना हो गया अभी तो तीन दो कितना हो गया पाँच हो गया रेशियो लगा है तो रेशियो लगा देंगे भाई बी और सी का पूछा है तो बी का मान कितना है तीन है इसका मान कितना है पाँच है तो ये कितना हो जाएगा पाँच तीन आठ तो ये किसका मान आ गया तो ये आ गया बी प्लस सी का तो कितना आ गया पाँच रेशियो आठ आ गया इसके बाद सी और ए सी का मान कितना है पाँच है ए का मान कितना है दो तो पाँच दो तो कितना हो जाएगा सात हो जाएगा तो रेशियो कितना था सी प्लस ए कितना आ गया था सात तो भाई देखो पाँच अनुपात आठ अनुपात सात कहाँ पर है भाई ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में है तो बस राइट आंसर करो आगे बढ़े भाई बेहद आसान से क्वेश्चन है भाई बेहद आसान से अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह बेहद आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई जल्दी से आंसर करेंगे भाई सभी लोग क्वेश्चन नंबर बारह आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर बारह देखो क्या कह रहा है x अनुपात y का मान इतना है और x माइनस वाई बराबर अठारह तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए 6 मार्च 2024 में देखो भाई क्या कह रहा है कि x और y भी x भाई एक्स अनुपात y का रेशियो कितना दिया गया है आठ अनुपात पाँच दिया गया कितना दिया गया मेरे भाई आप आपको सर आठ अनुपात पाँच दिया गया और x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है अठारह दिया गया ये दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप पे देखो को कैसे करना है देखो यहाँ पे कह रहा है कि x अनुपात बाई आपको मान दिया है आठ अनुपात पाँच लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे x- माइनस वाई बराबर दिया अठारह ये जानते हो क्या x- माइनस वाई हमसे बोल रहा है कि x- माइनस वाई का जो अंतर है ना अंतर यानी कि डिफरेंस जो तो डिफरेंस वैल्यू है वो कितनी है अठारह है लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपका जो रेशियो दिया गया इन रेशियो का आपको अपना डिफरेंस निकालना है यदि मैं आपसे ये कूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा नहीं तो आप भटका लोगे दिमाग को तो समझ में नहीं आएगा ठीक है तो एक्स अनुपात वाई का देखो एक्स अनुपात वाई तो आपको दिया है आठ अनुपात पाँच ये जो अंतर दिया है ना एक्स वाई ये मान किसका एक्स माइनस वाई यानी कि अंतर का तो अंतर कितना आ रहा अठारह आपका अंतर कितना है तो आपको क्वेश्चन मेरा तो अंतर आ रहा है तीन का अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है तीन का अंतर आ रहा है ये कह रहा है कि तीन का अंतर आ जरूर रहा है लेकिन इसका अंतर कितना है इसका अंतर एग्जैक्टली कितना है भाई अठारह है तो ये तीन से अठारह कितना हुआ है तो आपको क्वेश्चन ये तो इसका तो आपका कितना गुना है तो आपको सर ये तो छः गुना हुआ है कितने गुना हुआ है गुना हुआ है जब ये इसका छः गुना हुआ है तो हमसे किसका मान पूछा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का तो अठारह दिया गया है तो हमसे पूछा x प्लस वाई जब इसका अंतर में छः गुना किया गया है तो हमें भी इसके जोड़ का छः गुना करना है समझ गए ना मेरे भाई तो भाई आठ और पाँच को जोड़ेंगे तो आठ और पाँच को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बराबर आठ पाँच कितना हो जाएगा तेरह आठ पाँच तेरह हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं आप कहोगे जी बिल्कुल जब इसके अंतर का छ गुना अठारह है तो भाई इसके जोड़ का भी कितना होगा छः गुना होगा तो तेरह का छ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो तेरह छिंक कितना होता है अठहत्तर हो जाएगा तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अठहत्तर ऑप्शन नंबर बी समझ में बात आई या नहीं थम्सअप करो एक बार समझ में बात आई या नहीं भाई थम्सअप कर दो एक बार समझ गए ना भाई कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक कर लोगे ना भाई यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा चलिएगा आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेरे क्वेश्चन नंबर तेरे बेहद आसान क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से आपको करना है एक्स अनुपात का रेशियो आपके सामने आया है कितना दिया है सात अनुपात दो और सात एक्स प्लस चार वाई फिर रेशियो दिया है सात एक्स माइनस चार वाई का मान पूछा है अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम है चौबीस दो हजार चौबीस में जो आया था एस एस सी जी डी का उसी एग्जाम का क्वेश्चन है कर लोगे भाई बिल्कुल एक बार जोड़ना है और एक बार आपको घटाना है एक्स वाई का रेशियो आपको दिया ही गया है तो भाई रख दो भाई एक्स का मान आपको दिया है सात वाई का मान दिया गया है दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस आंसर आ जाएगा भाई देखो एक्स की वैल्यू कितनी दी गई तो आपको सर यहाँ से मैं एक्स का मान सात दिया है और वाई का मान दो दिया है वही रख देंगे भाई तो कितना हो जाएगा भाई इसी में रखेंगे भाई सात एक्स प्लस चार वाई में तो ये कितना हो जाएगा भाई सात गुणें कितना हो जाएगा एक्स का मान कितना है भाई सात है तो ये हो जाएगा सात गुणें सात प्लस कितना है भाई अभी ब्रैकेट नहीं लगाना है प्लस कितना दिया गया चार वाई का मान कितना दिया गया वाई का मान दो है तो ये हो जाएगा चार गुड़े दो क्लियर रेशियो है तो रेशियो लगा देंगे इसके बाद सात है तो सात एक्स का मान कितना है सात गुड़े सात माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा चार गुड़े दो बस ये आ जाएगा आपका एक बार जोड़ना था एक बार घटाना था भाई कर लोगे सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग सॉल्व चलिएगा कर लीजिएगा कितना हो जाएगा तो सात सत्य ये हो जाएगा भाई उनचास और उनचास प्लस का छः कितना हो जाएगा चार दोनी आठ तो उनचास प्लस का आठ रेशियो कितना दिया गया सात सत्ते उनचास माइनस का आठ उनचास माइनस का आठ तो उनचास और आठ कितना हो जाएगा नौ आठ सत्रह यानी कि सत्तावन अनुपात और नौ में से आठ हो जाएगा एक या आ जाएगा आपका इकतालीस कितना हो जाएगा इकतालीस तो इसका रेशियो भाई कितना आया आपको जैसे सत्तावन अनुपात इकतालीस जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्तावन अनुपात इकतालीस क्लियर भाई

हमें मान किस में रखना है तो आपको सर हमें जो मान रखना है वो रखना है पाँच वाई माइनस का दिया गया एक्स प्लस का दिया गया टू जेड बराबर में कितना दिया गया बराबर में हमें दिया गया एक सौ तेईस ठीक है भाई बराबर में क्या दिया गया एक सौ तेईस हमें मान किस में रखना है इसमें रखना है चलिएगा रखेंगे मान देखिएगा पाँच वाई का मान कितना दिया गया आपको सर एक्स का मान तीन है वाई का मान छः है और जेड का मान सात दिया गया है जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसा ही करना है ठीक है वाई का मान कितना है तो आपको सर वाई का मान छः है वाई का मान कितना दिया गया छः है तो ये कितना हो जाएगा तो आपको सिर्फ ये हो जाएगा पाँच गुणा कर देंगे छः माइनस एक्स का मान तीन है तो तीन प्लस है दो जेड का मान कितना है गुणा कर देंगे सात क्लियर तो इसका कितना हो जाएगा तो आपको सर पाँच एक का तीस माइनस का तीन प्लस कितना हो जाएगा दो सत्य हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चौदह कितना हो जाएगा चौदह बराबर बराबर अब इसका मान कितना आ रहा आपको तो ये क्वेश्चन में दिया गया था एक सौ तेईस आपके हिसाब से कितना आ रहा है तो आपको पूछा तीस में से तीन जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सत्ताईस और सत्ताईस और चौदह कितना हो जाएगा तो सत्ताईस और चौदह हो जाएगा आपका इकतालीस कितना हो जाएगा इकतालीस आपका भाई आंसर कितना आ रहा है इकतालीस वो कह रहा है नहीं इसका जो एग्जैक्ट मान होगा भाई आपका मान कितना आया इकतालीस अभी आंसर नहीं आया अभी क्या है मान आया है आपका मान कितना है इकतालीस है वो कह रहा है नहीं हमारा जो मान है वो कितना है एक सौ तेईस है आपका इकतालीस वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सौ तेईस है तो इकतालीस एक सौ तेईस से कितना गुना हुआ है? कितना गुना हुआ है? तो भाई देखेंगे तो इकतालीस के यदि मैं यहाँ पे गुना देखूंगा तो आपको सर ये तीन गुना है कैसे तीन एकम तीन तीन चौकों बारह यानी कि इकतालीस का तीन गुना एक सौ तेईस किया गया है तो जब इकतालीस का तीन गुना किया गया तो हमसे पूछा तो बताइए वाई का मान कितना है तो हमें निकालना है वाई का मान वाई का मान तो वाई का मान देखियो कितना रेशियो दिया तीन छः सात तो भाई तीन गुना हमें इन सभी में करना है तो तीन का इसमें भी हमें तीन गुना कर देना है इसमें भी तीन गुना करना है इसका और इसका भी हमें तीन गुना करना है यानी कि हमें तीन और छः और सात इन तीनों का तीन तीन गुना करना होगा तो तीन का तीन गुना करेंगे तो भाई यहाँ से हम एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड तीनों लिख सकते हैं तीन का इनका भी मान लिख लो भाई एक बार तीन और छः और, और कितना दिया गया सात दिया गया है हमें कितना करना है हमें करना है तीन गुना तो तीन गुना इसका भी कर देंगे तीन गुना इसका भी कर देना है तीन गुना इसका भी कर देना है तो तीन त्रिका हो जाएगा नौ छः तिया अठारह और जड का कितना हो जाएगा सात तियाँ इक्कीस यानी कि तीन नौ अठारह इक्कीस हालांकि ये कट भी सकता है कट भी सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जब काटना ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर जो हमसे पूछा वो केवल और केवल वाई मान पूछा है तो भाई वाई मान देखो कहाँ पर है भाई वाई मान ये रहा तो कितना आया भाई आपको भी सर वाई मान जो आया वो आया है अठारह तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना है तो वाई मान आ गया दोस्तों आपको भी सर अठारह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समझ में आ गया भाई कोई दिक्कत किसी को चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर पंद्रह यदि फाइव टी प्लस थ्री यू और फाइव टी माइनस थ्री यू सेम क्वेश्चन है भाई बराबर पाँच अनुपात तीन है बराबर पाँच अनुपात तीन है तो हमें टी और यू का मान बताना है भाई टी का मान कितना है यू का मान कितना है ये हमें दोस्तों ज्ञात करके बताओ अब चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान से समझना यहाँ पे दिया 5t टी प्लस थ्री यू रेशियो यानी कि 5t u का मान कितना है यहाँ पे पाँच है और इसका मान कितना दिया गया तीन दिया गया भाई इसको कर लेते हैं सॉल्व भाई कर लेते हैं इसको सॉल्व तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको यहाँ पर देखो पाँच टी प्लस का कितना दिया गया भाई थ्री यू दिया गया कितना दिया गया भाई आपको भी इस आप यहाँ से हमें दिया गया फाइव टी प्लस कितना दिया गया भाई थ्री यू थ्री यू दिया गया इसका मान कितना है बराबर में आपको सर बराबर में मान दिया गया है पाँच आगे दिया गया आपका फाइव टी माइनस का कितना दिया गया थ्री यू इसका मान कितना दिया गया भाई तीन दिया गया कितना दिया गया भाई तीन हमें दिया गया क्लियर चलिएगा बहुत बढ़िया अब देखिएगा यहाँ से आप चीज़ों को ध्यान से समझो अब क्या करना भाई देखो ध्यान से अब यहाँ से देखना भाई इसका कर लेंगे भाई क्रॉस मेथड क्या करेंगे भाई क्रॉस मेथड से इसको करेंगे सॉल्व कर क्रॉस करेंगे भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तीन की गुणा इससे कर देंगे इसके गुणा इससे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको सर ये तो हो जाएगा हमारा कितना पचम कितना हो जाएगा पचम पच्चीस हो जाएगा पच्चीस टी माइनस पाँच तिया हो जाएगा ये आपका पंद्रह यू बराबर इसके गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तीन पचे पंद्रह टी पंद्रह टी प्लस है तो प्लस लगा देंगे तीन तरह का नौ यू कितना हो जाएगा भाई नौ यू हो जाएगा ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई चलिएगा अब क्या करना है भाई अब देखो कुछ नहीं करना भाई सीधे सीधे सॉल्व करना है और क्या करना है बस अब यहाँ पे देखो पच्चीस टी माइनस का पंद्रह यू बराबर पंद्रह टी माइन प्लस का यह प्लस का दिया गया भी ठीक है याद रखना ये प्लस का है आपका प्लस का नो यू ये आपका पच्चीस है ये आपका कितना दिया गया पंद्रह टी भाई इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका आपको सर ये तो आ जाएगा दस टी आ जाएगा दस टी बराबर यहाँ पे आपका कितना भी पंद्रह यू यहाँ पर नौ यू तो पंद्रह यू माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पंद्रह नौ हो जाएगा चौबीस यू हो जाएगा कितना हो जाएगा चौबीस यू बराबर हमें क्या बताना है टी और यू का मान हमें क्या निकालना है टी और यू तो ये भाई टी और यू का मान निकाल सकते हो तो आपको सर ये हो जाएगा टी बटे में आ जाएगा यू टी का मान कितना हो जाएगा चौबीस यू का मान कितना दिया गया है दस तो ये हो जाएगा चौबीस बटे का आ जाएगा दस काट देंगे तो किससे कटेगा भाई आप कहोगे सर ये कट जाएगा चार से तो चार पंच चार से नहीं कटेगा किससे कटेगा दो से तो दो पंचे दस हो जाएगा दो एकम दो और दो दूनी चार यानी कितना आ गया अभी बारह आटे पाँच या कह सकते हो बारह रेशियो पाँच बारह रेशियो पाँच आ जाएगा तो कौन सा विकल्प है मेरे भाई आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा बारह अनुपात पाँच बारह अनुपात पाँच इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह भाई आपका सेम इसी तरीके से दिया गया हमसे पूछा एम और एन का मान कितना है भाई देखो एम और एन का भी मान पूछा भी बेहद आसान से कर सकते हो बेहद आसान तरीके से भाई अभी हमने आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी बताया था जस्ट अभी जब देखेंगे क्या करना है पाँच एम प्लस एन तो यहाँ पे लिखेंगे फाइव एम प्लस एन का मान कितना दिया गया आप देखेंगे पाँच इसका मान दिया गया है दो बराबर में मान कितना दिया गया आपको अगे सर पाँच दिया गया है उसी प्रकार से फाइव एम माइनस एन का मान कितना दिया गया तो आपको अगे सर इसका मान हमें दिया गया है दो कितना दिया गया अभी दो दिया गया है क्लियर अब भाई कर लेंगे इसको सॉल्व कैसे करना वही उस उसी अपने क्रॉस मेथड से दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो दो पंचे हो जाएगा दस एम प्लस का कितना हो जाएगा दो एकम दो एन हो जाएगा बराबर पाँच की मल्टीप्लाई करेंगे तो पच्चीस एम हो जाएगा माइनस कर देंगे तो पाँच एन हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा भाई पाँच एन हो जाएगा करेंगे सॉल्व तो दस एम ये पच्चीस आपका कितना भी पच्चीस एम है यहाँ पे ठीक है भाई पच्चीस एम ये तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा तो आपको सर पंद्रह एम बराबर दो एम एन ये पाँच एन ये तो ये कितने हो जाएंगे तो आपको सर ये हो जाएगा सात एन हमें बताना है एम और अनुपात का मान तो आप सभी जानते हो दूसरा वाला एम का मान सात है और एन का मान कितना है पंद्रह है तो दूसरा पहला और पहला चौथा ठीक है भाई तो यहाँ से किसका बताना था एम रेशियो एन का मान तो भाई एम और एन का रेशियो निकल के आ गया एम का मान हो जाएगा सात रेशियो एन का मान कितना हो जाएगा भाई पंद्रह तो इस क्वेश्चन का भाई आंसर क्या होगा मेरे भाई तो आपको सात अनुपात पंद्रह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सात अनुपात पंद्रह का रेशियो बनेगा भाई किसका रेशियो बनेगा मेरे भाई सात अनुपात पंद्रह का रेशियो बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह में दिया एक्स वाई का मान इतना है जेड और डब्लू का मान इतना है तो एक्स जेड रेशियो वाई डब्लू का मान कितना होगा बताएंगे भाई सभी लोग बेहद आसान से क्वेश्चन है भाई बेहद आसान आसान से क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए देखिएगा कैसे करना है सॉल्व यहाँ पे आपको एक्स वाई का मान दिया एक्स का मान तीन है वाई का मान पाँच दिया गया सारे मान आपको पता है सबसे पहले जेड का मान निकालेंगे ठीक है भाई आपको यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ध्यान से देखना एक्स अनुपात वाई ठीक है भाई यहाँ पर क्या लिखा है एक्स रेशियो वाई इसका मान कितना दिया गया तीन अनुपात पाँच हमें निकालना है सबसे पहले जेड रेशियो डब्लू का ठीक है भाई यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से ध्यान से चीज़ों को समझना मेरे भाई जेड का मान यहाँ पे कितना दिया दो एक्स का मान है ना तो टू एक्स है तो एक्स का मान कितना है तीन है तो ये हो जाएगा दो गुड़ तीन रेशियो डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है पाँच है और वाई का मान कितना दिया गया है पाँच है तो ये हो जाएगा पाँच गुड़ पाँच यानी कि इसका एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगा तीन दूनी छः और ये हो जाएगा पचम पच्चीस यानी कि जो छः अनुपात पच्चीस का रेशियो आ गया तो जेड का मान कितना आ गया छः डब्लू का मान आ गया पच्चीस हमसे पूछा किसका है तो आपको भी सर आपसे जो पूछा है ना वो पूछा है एक्स जेड रेशियो वाई और डब्लू हमें बताना इसका मान क्या होगा हमें बताना इसका मान क्या होगा देखो भाई एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है तीन है तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई तीन गुणें जेड का मान अभी मैंने निकाला कितना है छः है तो छः कर देंगे अनुपात वाई का मान कितना दिया गया वाई का मान पाँच है गुड़ें का मान अभी निकाला कितना भी पच्चीस है भाई कर दो सवाल तो छः तँ हो जाएगा अठारह रेशियो पच्चीस पंची कितना हो जाएगा भाई एक सौ पच्चीस तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया अठारह अनुपात एक सौ पच्चीस कितना आ गया मेरे भाई तो आपको सर इसका आंसर आ जाएगा अठारह अनुपात एक सौ पच्चीस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कोई दिक्कत किसी को भाई बताओ भाई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई अभी तक हमारे टोटल सत्रह क्वेश्चन हो चुके भाई आप लोगों को ये बताओ कि क्वेश्चन को समझ में आया या नहीं आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा यदि बातें समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे भाई ऐसा मत करना कि भाई चीज़ें समझ में आ रही वीडियो एक लाइक नहीं कर रहे हो तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आज का जो सेशन है रेशियो एंड प्रोपरेशन का आपको कैसा लगा ठीक है भाई चलेगा अगला क्वेश्चन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह फाइव एक्स माइनस टू वाई रेशियो एक्स माइनस टू वाई का रेशियो दिया गया नौ अनुपात सत्रह तो नौ एक्स बटे तेरह वाई का मान ज्ञात कीजिए भाई चलिएगा करते हैं सॉल्व चलिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है जैसा अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर सोलह सत्रह सेम उसी लेवल पे क्वेश्चन है ठीक है देखिए अब यहाँ से हमें मान किसका बताना है तो आप कहोगे सर हमें जो मान बताना है ना वो हमें बताना है नौ एक्स बटे तेरह बाई का अब ये मान तभी तो बता पाओगे जब आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता होगी जब एक्स और वाई की वैल्यू ही पता नहीं होगी तो आप इसका मान कैसे निकालोगे भाई तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करनी है कि एक्स और वाई का मान कितना है जब एक्स वाई का मान आ जाएगा तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो हमारा जो मान है इसका आ जाएगा भाई ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे तो वैसे ही निकालेंगे तो देखो यहाँ पे दिया फाइव एक्स माइनस का टू वाई इसका रेशियो कितना दिया गया आपको सर इसका रेशियो दिया गया नौ और इसका रेशियो कितना दिया गया सत्रह ठीक है तो इसका रेशियो कितना दिया गया नौ उसी प्रकार से एक्स माइनस का टू वाई का रेशियो कितना दिया गया आपको बराबर में दिया गया इसका मान दिया गया सत्रह यहाँ तक तो कर लिया होगा सभी लोगों ने सभी लोगों ने कर लिया होगा क्लियर तो ये आपको मान लो इस तरीके से अब इसमें करना है क्या हमें करना है क्रॉस मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई सत्रह की गुणा इसमें करनी है पाँच में सत्रह की गुणा पाँच में करेंगे तो सत्रह पना हो जाएगा पचासी एक्स माइनस है तो माइनस सत्रह दूनी चौंतीस का बाई कितना हो गया भाई चौंतीस बाई बराबर नौ की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा नौ एक्स माइनस का कितना हो जाएगा नौ दूनी अठारह वाई कितना हो जाएगा भाई अठारह वाई कर लिया इतना आप लोगों ने अब यहाँ पे पचासी एक्स ये नौ एक्स इधर आपका नौ एक्स इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो किस में हो जाएगा तो ये पचासी में से नौ एक्स माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पंद्रह में से नौ जाएगा छः यानी कि छिहत्तर एक्स कितना आ जाएगा तो भाई छिहत्तर का एक्स माइनस बराबर ये चौंतीस बाई माइनस का ये माइनस का अठारह बाई है तो यहाँ पे आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा तो चौंतीस में से अठारह माइनस करेंगे तो चौदह में से आठ जाएगा छः और यहाँ पे बचेगा दो यानी एक जाएगा एक यानी एक आ जाएगा यहाँ पे सोलह बाई यानी कितना आ गया भाई सोलह बाई तो यहाँ से आप जानते हो छिहत्तर एक्स बराबर सोलह बाई तो यहाँ से हमें निकालना तो है भाई एक्स और वाई का मान तो एक्स बटे वाई बराबर एक्स का मान यहाँ से कैसे निकालते हैं कि दूसरा होता है तीसरे का दूसरा पहले का पहला चौथे का तो भाई एक्स का मान कितना होगा सोलह बटे में कितना आ जाएगा अभी छिहत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा छित्तर यदि कट जाए तो काटेंगे भाई काटेंगे इसको ये किससे कटेगा भाई बताओ ये किससे कटेगा चार से काट दें चार से काट देते हैं तो चार से काटेंगे तो चार चौको सोलह बटे चार से काटेंगे तो चार एकम चार चार नाई छत्तीस यानी कितनी बार गया उन्नीस चौको छिहत्तर और चार चौको सोलह चार बटे उन्नीस तो एक्स का मान आ गया भाई चार वाई का मान कितना आ गया उन्नीस एक्स वाई का मान आ गया अब इसी में रख देंगे भाई मान किस में रखना है आपको सर मान जो रखना है वो रखना है नौ एक्स बटे तेरह वाई तेरह वाई में रखना है तो बराबर नौ का मान कितना भाई नौ है तो नौ एक्स का मान कितना आ गया चार बटे और यहाँ पे कितना है तेरह गुणे वाई का मान कितना आ गया उन्नीस भाई गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा तो आपको सर नौ चौकू कितना हो जाएगा नौ चौकू हो जाएगा आपका छत्तीस बटे और तेरह की गुणा उन्नीस में करेंगे तो उन्नीस तीस सत्तावन की सात करी करेगा पाँच उन्नीस से कम उन्नीस और पाँच कितना हो जाएगा चौबीस भाई देखो ये ऑप्शन में है क्या कहीं छत्तीस बटे दो सौ सैंतालीस क्या कहीं पर भी छत्तीस बटे दो सौ सैंतालीस तो आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए छत्तीस बटे दो सौ सैंतालीस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोई दिक्कत भाई बताओ किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई कोई दिक्कत नहीं होगी आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है चलिएगा आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा अरे भाई ये क्वेश्चन तो और भी आसान है भाई अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन करवाया ये तो क्वेश्चन भाई बिल्कुल ही आसान है भाई ये क्वेश्चन देखा जाए तो भाई जीरो लेवल का क्वेश्चन है कैसे ए और बी का रेशियो दिया गया पाँच अनुपात एक तो यहाँ पर भी इसमें मान रखना है रेशियो बता देना तो इसका मान निकालना ए का मान कितना है पाँच है तो ये कितना हो जाएगा भाई तीन गुणे पाँच प्लस चार बी का मान कितना भाई एक है तो चार गुण एक बस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे रेशियो तीन ए तीन गुणे पाँच माइनस का चार गुणे एक भाई आ जाएगा आंसर हालांकि ये करना भी नहीं था डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना कॉपी पेन के तो तीन पचे पंद्रह और ये कितना हो जाएगा भाई पंद्रह और चार एकम चार कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा अनुपात तीन पचे पंद्रह माइनस चार करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ग्यारह तो कितना आ गया भाई उन्नीस रेशियो ग्यारह कौन सा होगा भाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर उन्नीस अनुपात ग्यारह उन्नीस अनुपात ग्यारह भी इसका मान आ जाएगा क्लियर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर बीस क्वेश्चन नंबर बीस आपके सामने भाई ये रहा तीन अनुपात पाँच बराबर एक्स अनुपात पचहत्तर है तो एक्स का मान बताइए अच्छा क्वेश्चन है भाई अच्छा क्वेश्चन है एक्स का मान पूछा है भाई एक्स की वैल्यू पूछिए आप सभी जानते हो हमेशा दूसरा वाला हमेशा पहले का होता है और पहला वाला हमेशा चौथे का होता है होता है या नहीं सभी लोगों को पता होगा भाई करना क्या कुछ नहीं मान रख दो तो एक्स का मान कितना आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइव एक्स बराबर पचहत्तर की गुणा तीन में कर देनी है तो पचहत्तर तियाँ कितना हो जाएगा भाई तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख लो भाई तीन गुणा पचहत्तर करके कोई दिक्कत नहीं है तो कितना हो गया भाई तीन गुणें पचहत्तर हो जाएगा क्लियर अब यहाँ से करना क्या भाई क्या करना है काट दो जो कटेगा तो काट देंगे भाई काटेंगे पाँच से काट दो पचहत्तर को कितनी बार कटेगा पंद्रह बार कट गया भाई तो एक्स का मान कितना आ गया अभी पंद्रह तियाँ हो जाएगा भाई पैंतालीस कितना आ गया अभी पंदतालीस तो हमसे यही तो पूछा कि एक्स का मान कितना है? तो एक्स का मान कितना आ गया आपको सर पैंतालीस आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा भाई इक्कीस और एक सौ नवासी का मध्यानुपाति ज्ञात कीजिए चलिएगा अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है बदलाव कुछ नहीं हुआ अगर देखा जाए रियलिटी में जो क्वेश्चन है जो आपके अभी स्टार्ट हुए हैं अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक हमने टोटल बीस क्वेश्चन किए और बीस क्वेश्चनों में से रेशियो एंड प्रोपरेशन वाले चैप्टर में अभी तक हमने क्या सीखा अनुपातों को इकट्ठा करना सीखा है क्या सीखा अभी अनुपातों को इकट्ठा करना अभी तक क्या था क्वेश्चन जो था ना आपसे खेल रहा था क्वेश्चन आपसे खेल रहा था अब हकीकत में क्वेश्चन का जो लेवल है अब स्टार्ट हुआ है अब क्या करेगा अभी क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा ठीक है लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अभी देखिएगा अब कह रहा है कि इक्कीस और एक सौ नवासी का मध्यानुपाति ज्ञात कीजिए मध्यानुपाति सुनने में ही लग रहा होगा मध्यानुपाति का मतलब क्या होता है मध्य में संख्या जो होगी वो कहाँ होगी मध्य में तो भाई देखिएगा मध्यानुपाति का एक फार्मूला होता है जानते हो क्या जैसे माना मैंने कि मेरे पास कोई संख्या है ए और बी मेरे पास कोई संख्या ए और बी ठीक है भाई मेरे पास दो संख्या ए और बी हमें बताना है कि ए और बी का मध्यान्हुपाति क्या होगा भाई मान लेते हैं कि पहली संख्या कौन है ए है और यहाँ पे भाई इसके बीच में संख्या कोई भी मान लिया मैंने एक्स है और ए और बी को कैसे बैठाना है भाई अलग अलग बैठाना है यानी कि इर्द गिर्द बैठाना है एक दूसरे से एक छोर से लेकर दूसरे छोर पर ठीक है भाई ए अनुपात एक्स रेशियो और बी को मैंने मैंने मान लिया कि यहाँ पे बैठा दिया यानी कि ए को इस छोर पर बैठा ला बी को इस छोर पर बैठा ला तो यहाँ पर भी एक्स आ गया तो इसका मतलब एक्स का मान यहाँ पर भी होगा क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है ठीक है भाई आप सभी जानते हो कि अंदर अंदर का गुणा होता है बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और ये कितना हो जाएगा बराबर ए इंटू हो जाएगा हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई ए इंटू बी है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा ए बी तो भाई मध्यनुपाति का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया एक्स बराबर अंडर रूड ए बी यही तो होता है ना मध्यानुपाति का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई आप कहोगे सर एक्स बराबर अंडर रूड ए बी अंडर रूड ए बी याद रखो रट लो भाई ये आपको एग्ज़ाम में इतना कुछ नहीं करना है ये सब कुछ नहीं करना है एग्जाम में बस इतना याद रखो अंडर रूड ए बी बस इतना याद रखो अंडर रूड ए बी मध्यनुपाती फार्मूला अंडर रूड ए बी याद हो गया होगा सबको याद हो गया होना चलिएगा इसको मैं कर देता हूँ इरेज अब देखिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व अब करते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व ठीक है भाई अंडर वुड ए बी ये तो आपको पता है कि मध्यान्हुपाति का क्या हो गया फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार आपको चीज़ें याद बनी रहे बस अंडर रूड ए बी ठीक है भाई ये तो मैं इस फॉर्मूला निकालना बताया कि अंडर रुड ए बी आया कैसे और भी तो कुछ मान सकते हैं तो भाई क्या आ गया अंडर रुड ए बी अब चाहो तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो जैसे कि ए का मान आपको दिया गया 21 बी का मान कितना दिया एक चाहो तो आप इसका अंडर रुड इक्कीस और गुणा कितना दिया गया एक सौ नवासी इनका गुणा कर लो गुणा करने से जो भी अंडर रुड निकलेगा वो किसी ना किसी का पूर्ण रूप से वर्ग होगा वो किसी ना किसी का पूर्ण रूप से वर्ग होगा एक तो तरीका आपका ये है आपको तो इसका मैं गुणा करूँगा तो बहुत समय लगेगा फिर हमें पता भी नहीं है कि किसका कौन वर्ग होता है तो चलिएगा कोई दिक्कत नहीं अब अपने दूसरे मेथड से कर लेंगे वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलिएगा तो भाई फॉर्मूला तो अंडर रूड ए भी पता है तो इसको क्या करेंगे भाई आपको अंडर रूड ये कितना दिया गया आपका 21 है गुणा कितना दिया गया एक सौ नवासी इसको क्या करेंगे भाई तोड़ लेंगे तोड़ लेंगे तो क्या होगा आपका चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी तो सबसे पहले इक्कीस को तोड़ेंगे तो इक्कीस को कैसे तोड़ेंगे भाई इक्कीस को तोड़ेंगे भाई सात या कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा तो सात और तीन में मैंने इसको तोड़ लिया तोड़ लिया कि नहीं आप कहोगे जी बिल्कुल एक सौ नवासी को तोड़ेंगे भाई एक सौ नवासी को यदि मैं सात से तोड़ूंगा यदि मैं सात से इसको इसको भी मैं यदि सात से तोड़ दूँ तो कितनी बार जाएगा तो आप कहोगे सर इसको मैं तोड़ूंगा तो सात या ऐसा भी कर सकते हैं तीन की पावर कितने करते हैं भाई सात मान लिया तो सात ये हो जाएगा गुणा अब ये किसकी गुणा कर दूँ भाई सात से काटेंगे कितनी बार जाएगा तो आपको सर ये जाएगा सात दूनी चौदह और ये कितना हो जाएगा चार सात सत्य उनचास यानी सत्ताईस बार हो जाएगा और सत्ताईस को भी मैं तोड़ूंगा सत्ताईस को कितने में तोड़ूंगा तो सत्ताईस को मैं तोड़ूंगा तीन की पावर तीन तीन की पावर तीन में तोड़ सकता हूँ आप क्योगे जी बिल्कुल तोड़ सकते हो तो यहाँ से यहाँ से मैं सत्ताईस को हटा के डायरेक्टली लिख लेता हूँ तीन गुणें तीन गुणें तीन कितना लिखूंगा भाई तीन की पावर तीन को कैसे लिख सकते है? तीन गुणे तीन गुणे तीन अब तो हो गया ना भाई तीन त्रिका नौतियाँ सत्ताईस और सत्ताइस सत्ते एक सौ नवासी और सातियाँ इक्कीस तोड़ लिया मैंने यहाँ से अब यहाँ से देखो अब यहाँ से पेयर बनाएंगे क्या बनाएंगे भाई पेयर कैसे देखो पेयर किस किस चीज़ का बनेगा भाई देखो यहाँ से चीज़ों को ध्यान से समझना सात और सात का एक पेयर बन गया बन गया कि नहीं आप कहोगे जी बिल्कुल तीन और तीन का एक पेयर बना और एक तीन और तीन का एक पेयर ये बन गया तो यहाँ पर टोटल पेयर किसके बने हैं भाई एक पेयर बना है सात का गुणा कर देंगे भाई एक पेयर किसका बना है तीन का बना है फिर एक पेयर किसका बना है? फिर तीन का बना है तो भाई इनकी गुणा कर देंगे तो सात तियाँ इक्कीस और इक्कीस तियाँ कितना हो जाएगा भाई तिरसठ तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 63 आ जाएगा तिरसठ आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे शेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई दिक्कत किसी को भाई चलिएगा अगला क्वेश्चन फॉर्मूला याद रख लेना मध्यानुपाति पूछा जाता है भाई अब क्वेश्चन का लेवल जो है ना अब स्टार्ट हुआ है भाई चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन फिर से आपके मध्यानुपाती पूछा है इसमें आपका एक बार क्या किया पॉइंटों में दी है संख्या 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती भाई मल्टीप्लाई करना भाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना भाई कोई दिक्कत नहीं होगी भाई चलिएगा बहुत बढ़िया करेंगे भाई सभी लोग सॉल्व भाई एक बार सेशन को लाइक भी कर दो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे भाई ठीक है मध्य निकालना है बराबर मध्य बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी भाई ए मान लिया ये हो गया बी का मान ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई तो आप कहोगे सर ये तो मुझे पता है कि जीरो पॉइंट सिक्स फोर है और ये कितना है इंटू जीरो पॉइंट एट वन यदि मैं आपको बताऊं एक बात बताऊं कि आप थोड़ी देर के लिए जीरो पॉइंट को भूल जाओ जीरो पॉइंट को भूल जाओ आपको क्या मिलेगा चौंसठ चौंसठ किसका स्क्वायर होता है तो आप कहोगे सर ये तो होता है आठ का स्क्वायर इक्यासी किसका होता है आपको सर नौ का तो कहीं ऐसा तो नहीं ये आपका किसका स्क्वायर है जीरो पॉइंट एट का मान सकते हो पॉइंट एट का स्क्वायर है और ये किसका है पॉइंट नौ का स्क्वायर है तो भाई आठ और नौ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आठ नेम कितना हो जाएगा बहत्तर लेकिन एक पॉइंट भी तो लगा है तो पॉइंट बहत्तर देख लो चाहे तो जीरो लगा लो कोई दिक्कत नहीं है भाई तो जीरो पॉइंट सेवन टू कहाँ पर है भाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर कोई दिक्कत हुई किसी को बताओ भाई कोई दिक्कत हुई बताओ इस क्वेश्चन में भाई कोई दिक्कत नहीं होगी बेहद आसान क्वेश्चन है क्यों याद है क्योंकि हमें मध्यानुपाति का फॉर्मूला पता था अंडर रूड ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है मेरे भाई आपको भी इस बार मध्यानुपाति ही बताना है इस बार एक्स प्लस वाई की पावर चार बराबर एक्स माइनस वाई की पावर चार के बीच का अनुपात बताना है यानी कि मध्यानुपाति भाई वही लगा दो अंडर रूड ए बी भाई मध्यानुपाति बताना मेरे भाई तो लगा देंगे अंडर रूड ए बी अंडर रूड ए बी भाई ये तो हो गया ए का मान ये हो जाएगा बी का मान तो लगाएंगे भाई ये हो जाएगा आपका अंडर रूड ए का मान कितना दिया गया भाई एक्स प्लस वाई का पावर कितनी दी गई है चार गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई की पावर कितनी दी गई है भाई चार बस कर लेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई तो आपको कि सर ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई की पावर दो एक्स प्लस वाई की पावर दो और ये हो जाएगा आपका गुण है एक्स माइनस वाई की पावर दो एक्स माइनस वाई की पावर दो क्लियर चलिएगा अब यहाँ से क्या करना भी देखो ध्यान से यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो भाई यहाँ से क्या करेंगे भाई इन दोनों का क्या करना भाई ऊपर पावर कितनी थी चार थी भाई इसको कर लेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको किस तरह ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक बार हो जाएगा एक्स माइनस वाई और इन पूरे का क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो ये कितना हो जाएगा तो आपको किस तरह ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायेयर माइनस का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा भाई पूरे का स्क्वायर भी हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया देखो विकल्प मिलाओ भाई कौन सा होगा तो आपको भी सर ये विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कोई दिक्कत भाई किसी को यहाँ तक चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एक्स बटे वाई और वाई बटे जेड के वर्गों का मध्यानुपाती भाई अंडर रूड ए भी होता है वर्गों का मध्यानुपाती पूछा मेरे सिर वर्गों का मध्यानुपाती क्या पूछा भाई वर्गों का मध्यानुपाती यानी कि अंडर रूड ए भी तो लगाना ही पड़ेगा हर हालत में तो लगाएंगे भाई अंडर रूड ए भी। ए हो गया ए का मान तो अंडर रूट ए बी का वर्गों का भाई ये भी चीज़ याद रखना वर्ग करना है क्या करना है वर्ग तो एक्स वटे वाई का वर्ग करेंगे तो आप को सर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायेयर वटे में आ जाएगा वाई स्क्वायर गुणा है तो गुणा लगाएंगे भाई वाई जेड का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में आ जाएगा जेड स्क्वायर क्योंकि हमें निकालना है वर्गों के बीच का मध्यानुपाति क्या निकालना है मेरे भाई आप आपको सर इनके बीच का मध्यानुपाति भाई देखो देखेंगे ध्यान से ये तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मेरे शर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूड में अंडर रूड में बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बटे में बचेगा आपका जेड स्क्वायर तो इसको अंडर रूड बाहर करेंगे तो भाई यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा भाई एक्स बटे जेड क्या आ जाएगा मेरे भाई एक्स बटे जेड तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आ गया एक्स बटे जेड ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कोई दिक्कत हुई बताओ अब भाई एक्स बटे वाई में देख लिया लिखा आप लोग डर गए और जब डर जाते हो तो एग्ज़ाम हॉल में जो हमारा डिप्रेशन होता है माइंड में और भी ज़्यादा दोस्तों जो माइंड को है ना वही काम करना बंद कर जाता है और क्वेश्चन जो आते भी हैं वो भी गलती कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे साथ कंडीशन अभी हाल ही के एग्ज़ाम में हुई है बताएंगे उस पर एक वीडियो लाएंगे क्योंकि मेरी गलती कहाँ पर हुई थी जिस वजह से भाई जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर जो होता है भी बच्चे पर ज़्यादा आता है वही प्रेशर मैं भी नहीं झेल पाया मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में ठीक है अलग वीडियो लाऊँगा उस पर कि क्या गलती की थी मैंने चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अब देखिएगा ध्यान से समझना है चीज़ों को अब यहाँ से क्वेश्चन भाई अब आपके लेवल बढ़ेंगे भाई लेवल जो है भाई बढ़ेंगे अब पूछा है हमसे पूछा है तृतीय समानुपाति क्या पूछा भाई तृतीय अब, अब मध्य समानुपाध्यानुपाति नहीं निकालना अब हमें निकालना है तृतीय समानुपाति चलिएगा समझिएगा चीज़ों को देखिएगा दोस्तों तृतीय समानुपाति का मतलब हमसे तीसरा अनुपात पूछा अभी तक हम दोस्तों मध्या निकालते थे अब निकालेंगे तीसरा अनुपात देखिएगा हमसे क्या पूछा तृतीय समानुपाती देखिएगा मैंने माना कि मेरे पास दो संख्याएं थी ए और बी और भाई मैंने इनका रेशियो क्या माना तभी उसमें मैंने ए और बी को इर्द गिर्द बैठा ला था तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर दो संख्याएं हैं ए और बी अब यहाँ पर मध्य का नहीं निकालना हमें तीसरा निकालना है, तो दो संख्याएं तो ए अनुपात बी हो जाएगा क्योंकि हमें तीसरा निकालना है ना तो ए और बी तो मेरे पास ऑलरेडी दो है और भाई इसमें से क्या करना था हमें निकालना था तीसरा अनुपात भाई तीसरा अनुपात आपको बी मान लेना है और यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा एक्स यानी कि चौथा मैंने मान लिया एक्स ठीक है भाई तो हमें निकालना था तृतीय अनुपाति बराबर मैंने क्या मान लिया एक्स क्लियर तो भाई अंदर अंदर की गुणा कर देंगे बाहर बाहर की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बी इंटू बी बी इंटू बी हो जाएगा तो आपको सर ये तो हो जाएगा एक्स बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपानी कितना हो जाएगा भाई बी स्क्वायर तो यही तो होता है हमारा तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला जो आप लोग कोचिंग वगैरह में जाते हो तो यही तो आपको बताते हैं कि तृतीय अनुपाति बराबर वो डायरेक्टली आपको लिखवा देते हैं कि एक्स बराबर बी स्क्वायर अपौन ए तो भाई वो यही तो लिखवाते हैं जो मैंने आपको बताया है यही तो है वो बी स्क्वायर अपौन ए तो बस यही आपको याद रखना है बात समझ में आ गई चलिएगा मैं इसको रेज कर देता हूँ ये फॉर्मूला बस याद रख लो मध्य अनुपाति अंडर रूड ए भी तृतीय अनुपाति एक्स बराबर बी स्क्वायर अपौन ए यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या बी स्क्वायर अपॉन ए का मतलब क्या है मेरे शेर तो आपको सिर्फ बीसक्यर अपौन ए का मतलब है कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या बस इतना याद रखो कोई दिक्कत नहीं होगी समझ गए ना भाई बी स्क्वायर अपॉन ए यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या करना है चलिएगा आगे देखो बस करना क्या मान रख दो आंसर आ जाएगा भाई मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई देखिएगा बी स्क्वायर करना तो दूसरी संख्या पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये तो दूसरी संख्या का वर्ग करना है तो तीन का वर्ग कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा ए का कर देंगे तो आपको सर ये तो हो जा जाएगा नौ ए स्क्वायर हो जाएगा बी का कर देंगे तो बी स्क्वायर बटे पहली संख्या पहली संख्या क्या है भाई आपको सर पहली संख्या ए स्क्वायर बी है पहली संख्या क्या थी मेरे शेर ए स्क्वायर बी तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा इस बी से ये एक स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका बचेगा बराबर में नौ बी बचेगा तो ये नौ बी क्या है यही तो हमारा तृतीय अनुपाति है तो ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर नौ बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे शेर नौ बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोई दिक्कत बताओ भाई कोई दिक्कत हुई हो क्वेश्चन में तुरंत बता दियो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इसमें भी हमसे क्या पूछा भाई तृतीय अनुपाति पूछा है यानी कि बी स्क्वेयर अपॉन ही दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या यही तो पूछा है तो भाई रख देंगे भाई दूसरी संख्या का वर्ग कर देना है बटे में आ जाएगी पहली संख्या बटे में क्या आ जाएगी भाई मेरी शेर आपको सर पहली संख्या आ जाएगी तो भाई इसका कर देंगे वर्ग तो ये कितना हो जाएगा तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस का ए बी इसका कर देंगे भाई क्या स्क्वायर कर देंगे बटे बटे में कितना आ जाएगा भाई बटे में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा भाई बी स्क्यर माइनस का ए स्क्वायर यानी कि पहली संख्या क्लियर अब चलिएगा अब इसको करते हैं सॉल्व बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व देखेंगे भाई ध्यान से कैसे करना है तो यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर है माइनस का कितना ए बी है तो एक बार माइनस हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस का ए बी इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ अलग अलग लिख लेता हूँ भाई ठीक है चलिएगा अलग अलग यदि मैं इसको लिख लूँगा तो कैसे लिखूँगा चलिएगा अब इसको भी ऐसा करते हैं इसको स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं अलग अलग लिख लेते हैं इसको कैसे जैसे आपका यहाँ पर है बीस स्क्यर माइनस का कितना है भाई ए बी दिया गया है बीस स्क्वायेर माइनस का ए बी दिया गया है ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एक बार फिर से लिख लेंगे तो भी क्या हो जाएगा बीस स्क्यर माइनस का ए बी क्लियर बटे में कितना भी बटे में दिया गया आपका बीस स्क्येयेर माइनस का दिया गया ए स्क्वायर चलिएगा अब यहाँ से ऐसा करते हैं यहाँ से क्या करते हैं भाई देखो यहाँ से मैं बी लेता हूँ कॉमन बी लेता हूँ कॉमन तो ये कितना हो जाएगा तो आपको सर ये हो जाएगा बी और अंदर में क्या बचेगा बी माइनस का ए हो जाएगा और गुणा ये कितना हो जाएगा बी स्क्र माइनस का ए बी बी स्क्वायर माइनस का ए बी क्लियर बटे आप कहोगे सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये किसका फार्मूला तो आप कहोगे सर जी हाँ ये एक फार्मूला होता है किसका होता है तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक बार क्या होता है ए माइनस का बी पढ़ा होगा ना भाई ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी अब यहाँ से देखो ये तो भाई बन गया था फार्मूला तो मैंने लिख दिया ए प्लस भी ए माइनस बी यहाँ पर बी माइनस ए ए माइनस बी तो ये तो भाई ए से ये कट जाएगा इस से ये कट गया कट गया भाई अब देखो क्या करना है अब देखो यहाँ पर क्या करना है भाई यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है अब देखो क्या करना है यहाँ पर बी है तो ये तो बी एक बाहर रहेगा यहाँ पर क्या बी स्क्र ए बी है ठीक है यहाँ पर क्या भाई बी स्क्र ए बी है यहाँ से भाई मैं क्या कह रहा हूँ बी तो एक बाहर है ही और अंदर क्या है अंदर बी स्क्वायर यदि मैं अंदर वाले बी स्क्वायर को यदि मैं बाहर ले लूँगा तो अंदर तो भी एक बी बचेगा जैसे आपका यहाँ पर बी है तो बी लिख लिया भाई ठीक है गुणा है तो गुणा लगा दिया अब ये जो बी स्क्वायर है यदि मैं बी स्क्वायर से एक बी बाहर ले लूँगा तो भी तो एक अंदर बी बचेगा आपको किसी बिल्कुल बचेगा तो एक बी मैंने बाहर ले लिया एक अंदर अभी भी एक बी मौजूद है तो कितना हो जाएगा बी माइनस ए बी तो ये बी बाहर आ गया तो यह कितना आ गया भाई बी माइनस का ए बी माइनस का ए बटे बटे में क्या आ जाएगा भाई बटे में बचा है आपका ए प्लस का बी बटे में क्या बचा है भाई ए प्लस का बी क्लियर अब भाई बी और ये बी तो बी और बी करेंगे तो कितना हो जाएगा तो बराबर में कितना आगा तो आपको फिर ये आ जाएगा बी स्क्र ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस का ए और बटे में कितना आ जाएगा भाई बटे में आ जाएगा ए प्लस का बी बस आ गया अभी देखो क्या ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया गया है बी स्क्र करके तो भाई बी स्क्र बी माइनस ए बटे ए प्लस बी बिल्कुल दिया ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाई यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई बी स्क् माइनस बी स्क्वायर बी माइनस ए बटे में ए प्लस बी या बी प्लस ए बात एक ही है क्लियर चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस आपके सामने ये रहा भाई देखो एक्स बराबर दो है तो फोर एक्स एक्स प्लस चार थ्री एक्स माइनस वन का चतुर्था समानुपाती पूछा है मेरे भाई अब क्या पूछा अब अभी चतुर्था समानुपात अब समझो अभी मैंने आपको क्या बताया मध्यानुपाती बताया अंडर रूड ए भी फॉर्मूला याद हो गया होगा इसके बाद तृतीय अनुपात ही बताया कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए अब सुनिएगा चतुर्था समानुपाती माना मेरे पास तीन संख्या है कोई भी ए है बी है सी है मेरे पास क्या भी तीन संख्याएँ ए और बी सी तीनों संख्याएँ हम हमसे पूछा चतुर्था समानुपाती हमसे चौथी संख्या का अनुपात पूछा है चौथी संख्या भी चौथी संख्या हमें नहीं पता हमने मान लिया एक्स हमने क्या मान लिया एक्स तो हमसे अनुपात पूछा तो वे रेशियो लगा लेंगे तो ए बी सी अनुपात एक्स तो भाई दूसरे अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स ए एक्स और ये कितना हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा भाई बराबर में बचेगा बी सी तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो आपको अक्सर बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए तो यही तो होता है चतुर्था समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है बी गुणें सी बटे ए यानी कि दूसरी संख्या गुणें तीसरी संख्या बटे पहली संख्या समझ गए ना भाई कोई दिक्कत हुई बताओ भाई इसका फॉर्मूला याद रख लो भाई बी सी अपॉन ए भाई चतुर्था समानुपाती का फॉर्मूला याद रखेंगे भाई बी सी अपॉन ए बस इतना याद रखो बस ठीक है भाई ये फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने समझ गए ना आप लोग चलिएगा अब बात करते हैं भाई इसको रखना है क्वेश्चन में अब हमें क्या रखना है भी क्वेश्चन में फॉर्मूला भाई बताएंगे सभी लोग बोला करो भाई सभी लोग अपने मन में चतुर्था समानुपाती का फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए क्या हो जाएगा मेरी शेर तो आपको बी सी अपॉन ए हो जाएगा ठीक है भाई इस फॉर्मूले को रखना है x का मान दिया गया है दो तो x का मान दो यहाँ पर भी रख दो ठीक है भाई कोई दिक्कत हो बताओ x का मान यहाँ पर दो रख देंगे तो चार दूनी आठ यहाँ पर दो रख देंगे यहाँ पर भी दो रख देंगे तो चार दूनी कितना हो जाएगा भाई आपको सर ये तो हो जाएगा आठ ये कितना हो जाएगा कॉमा दो प्लस चार कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो आपको सर ये तो हो गया छः कौमा तीन दूनी कितना हो जाएगा छः में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा पाँच आठ छः पाँच हो गया भाई आठ छः पाँच हो गया हमसे पूछा है चतुर्था ने सो पाती भाई पहली संख्या ए मान ली बी मान लिया सी मान लिया तो बी सी अपॉन ए लगा देंगे तो आपको फिर बी सी अपॉन ए बराबर हो जाएगा तो आपको सर ये तो हो जाएगा छः गुणा कर देंगे पाँच बटे में आ जाएगा आठ यानी कि छः पंचे तीस बटे में कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा तो काटेंगे इसको तो आठ तिरका चौबीस हो जाएगा आठ तीन चौबीस छः बटे आठ हो जाएगा तो छः बटे आठ को क्या लिखेंगे भाई कितना हो जाएगा भाई छः बटे आठ हो जाएगा आठ कितना बचेगा जाएगा छः बटे आठ तो इसको लिख लेंगे दो तियाँ छः दो चौकों आठ यानी कि भैया कितना तो आ जाएगा भाई तीन सही तीन बटे चार तीन सही तीन बटे चार को और कैसे लिख सकते हैं तो चार तिया बारह तीन पंद्रह बटे चार क्या लिख सकते हैं भाई पंद्रह बटे चार लिख सकते हैं या नहीं आप कहोगे जी बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है पंद्रह बटे चार इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोई दिक्कत किसी को भाई बताओ कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन को करने में भाई कोई दिक्कत नहीं हुई चार तीन बारह तीन पंद्रह बटी चार क्लियर चलिएगा आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस इसमें भी क्या पूछा हमसे चतुर्था समानुपाति पूछा है भाई चतुर्था समानुपाति भाई पूछा, समानुपाति पूछा भी। बताएंगे भाई सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई देखो चतुर्था समानुपाति का अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको एक क्या बताया था बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए पहली संख्या ए है दूसरी संख्या एस स्क्वायर टी और तीसरी संख्या एस टी स्क्वायर दी गई है तो यह कितना हो जाएगा भाई तो ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर टी गुड़ें एस टी स्क्र हो जाएगा बटे पहली संख्या कितनी भी पहली संख्या एस क्यू पहली संख्या कितनी है मेरे भाई एस क्यू है अब देखो क्या करेंगे बराबर इसको कर लेते हैं सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा तो आपको सर एस स्क्वायर टी है और यहाँ पर एस तो एस स्क्वायर ये एस ये तो कितना हो जाएगा तो आपको सर ये तो हो जाएगा एस क्यू टी स्क्वायर ये टी है तो टी स्क्वायर इंटू टी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो आपको सर ये तो हो जाएगा टी क्यू बटे में कितना है एस क्यू तो एस क्यू से एस क्यू कट जाएगा बराबर में क्या बचेगा टी क्यू बचेगा भाई क्या बचेगा टी क्यू तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा टी क्यू इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा तो इसका चतुर्था समानुपाती मेरी शेयर कितना हो जाएगा टी क्यू हो जाएगा कोई दिक्कत किसी को भाई बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई भाई नहीं होगी तो अगला क्वेश्चन इसी क्रम में चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा भी चतुर्था समानुपाती निकालना भी निकाल दो जल्दी से अंडर रूड छः अंडर रूड आठ और अंडर रूड इक्कीस का चतुर्था समानुपाती क्या होगा बस वही फार्मूला रख देना भाई इसको मान लो मैंने ए मान लिया इसको मान लिया बी इसको मान लिया सी तो बी इंटू सी अपॉन ए करना है भाई बी इंटू सी अपॉन ए तो ये कितना हो जाएगा तो आपको सर ये हमारा हो जाएगा अंडर रूड आठ गुणे अंडर रूड हो जाएगा इक्कीस बटे में आ जाएगा कितना बटे में आ जाएगा अंडर रूड सिक्स बराबर भाई अब इसको मैं कर लेता हूँ तोड़ इसका भी निकालेंगे तोड़ यानी कि इसको तोड़ लेते हैं आठ को तोड़ेंगे अंडर रूड दो गुड़ें अंडर रूड चार में तो ये कितना हो जाएगा भाई कोई दिक्कत नहीं है चार दोनी आठ हो जाएगा क्लियर उसी प्रकार से इक्कीस को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा अंडर रोड तीन और गुड़ें ये हो जाएगा अंडर रूड सात यानी कि सातियाँ कितना हो जाएगा इक्कीस बटे में भाई कितना भी बटे में अंडर रूट छः इसको भी तोड़ लेंगे तो इसको तोड़ेंगे भाई ये आ जाएगा अंडर रूट तीन तीन दोनी छः तो ये हो जाएगा अंडर रूट तीन गुड़े अंडर रूट दो तोड़ लेंगे भाई तोड़ने से क्या होता है इस हमारा जो कैलकुलेशन है वो बच जाती है बच जाएगी कैलकुलेशन तो उतनी तो सरल हो जाएगी तो भाई इसको काट देंगे जो काटेंगे तो अंडर रूट दो से अंडर रूट दो खत्म और अंडर रूट तीन से ये अंडर रूट तीन ख़त्म ख़त्म हो गया भाई अब यहाँ पे क्या बचा तो आपको इस तरह यहाँ पर बचा है हमारा अंडर रूट चार गुड़े सात चार गुणे सात बचाए भाई इस अंडर रूट चार का दो आ जाएगा बाहर तो ये कितना हो जाएगा दो अंडर रूट कितना आ जाएगा सात तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दो अंडर रूट साथ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा बताओ भाई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है समझने में बताओ मेरे शेर दो अंडर रूट साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं और आज के तीस क्वेश्चन हमारे इस पार्ट वन के कंप्लीट होते हैं शेष क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराएंगे ठीक है भाई चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आठ और चौबीस का तीसरा समानुपाति और ए और बी ए अच्छा तीसरा समानुपाति ए है और चार और सोलह का मध्य अनुपाति बी है तो ए बटी बी का मान बहुत बढ़िया देखो अच्छा क्वेश्चन है इसमें आपको दो फॉर्मूले लगाने एक तो तीसरा अनुपाति लगाना है दूसरा आपको मध्यानुपाती निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई आठ और चौबीस का तीसरा समानुपाती निकालना तो भाई देखेंगे भाई तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई बी स्क्वेयर अपॉन ए क्या बताया था भाई यहाँ पे लिख लो भाई तृतीय अनुपाति यहाँ पे मैं चाह तो लिख लो भाई तीसरा अनुपात निकालना अभी तीसरा तीसरा निकाल रहा हूँ तो तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला क्या होता है भाई बी स्क्वेयर अपॉन ए होता है भाई रखेंगे भाई यहाँ पे कितना भाई चौबीस है तो ये कितना हो जाएगा तो आपको ये हो जाएगा चौबीस गुण है चौबीस बटे में कितना दिया गया आठ दिए तो आठ लिख देंगे तो आठ से चौबीस को काट देंगे तो आठ तियाँ चौबीस हो जाएगा चौबीस और दूँ अड़तालीस चौबीस तियाँ बहत्तर तो भाई ये तृतीयानुपाति कितना आ गया भाई इसका मान आ गया दोस्तों बहत्तर कितना आ गया मेरी शेर आप कहोगे सर इसका तो मान आ गया बहत्तर ये किसका मान है एक का ये कह रहा ना कि तीसरा समानुपाति ए है तो भाई ए बराबर कितना आ गया बहत्तर यानी कि जो ए जो मान निकला ये किसका निकला ए का अब कह रहा है कि बी का निकालना है हमें क्या चतुर्था सॉरी मध्यानुपाति निकालना है अब हमें क्या निकालना है भाई अब हमें इसका निकालना है मध्यानुपाति तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मध्यानुपाति मध्या किसका निकालना है तो आपको सर ये हमें निकालना है बी का और मध्यान्हुपाति का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको सर इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूड ए बी होता है तो भाई अंडर रूड ए बी में रख देंगे भाई इसका मान तो ये कितना हो जाएगा तो भाई ए का मान कितना है चार है तो आपको सर गुणा कितना हो जाएगा सोलह सोलह हो जाएगा तो ये बी बराबर कितना हो जाएगा तो सोलह चौको होता है चौंसठ तो ये हो जाएगा अंडर रुड चौंसठ और बी बराबर ये कितना हो जाएगा तो अंडर रूट चौंसठ किसका स्क्वायर होता है तो आपको सर आठ का तो ये बी बराबर क्या आ गया भाई आठ आ गया तो हमसे क्या पूछा ए बटे बी का मान हमसे क्या पूछा मेरे शेर तो आपको सर ए बटे बी का मान पूछा है तो भाई ए का मान आपको दिया गया है तो ए का मान कितना आया था बहत्तर आया था तो यहाँ पे लिखेंगे भाई बहत्तर और बी का मान कितना आया है आठ आया है तो बी का मान लिख देंगे आठ तो भैया इसके जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आठ ने बहत्तर तो भाई ए बटे बी का मान कितना आ गया भाई आपको सर ए और बटे बी का मान आ गया है नौ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपको अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नौ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हुई दिक्कत हुई हो तो बता देना भाई कमेंट करके आपको इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे हालांकि दोस्तों ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो कि ये तीस क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा माइंड में चीजें सेट हो गई होंगी वीडियो को दोबारा से देख लोगे तो चीजें आपकी उंगलियों पर आ जाएंगी सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर कर लोगे भाई ठीक है मैथ है तो मैथ बार बार प्रैक्टिस मांगती है दो दिन पढ़ी तीसरे दिन चौथे दिन आपने नहीं पढ़ी तो जरूर भूल जाओगे लेकिन समय समय पर रिविजन करना आपके लिए बेहद आवश्यक है मैथ के जैसे भी हमारी पिछले चैप्टरों की क्लासेस हुई हैं चाहे सिंप्लीफिकेशन हो या नंबर सिस्टम हो यदि आप उसका रिवीजन कर रहे हो तो तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि रिवीजन ही करना भूल गए बस एक बार पढ़ लिया तो भाई दिक्कत करेगी आपको एग्ज़ाम हॉल में तो फिर आप कहोगे सर आपने पढ़ाया और एग्जाम में आया नहीं फिर आपके पास यही रहेगा तो इसीलिए कहता हूँ रिवीजन भी करते रहो पिछली क्लासों का देखो क्वेश्चन को दोगुनी स्पीड में वीडियो को देख लो कोई दिक्कत नहीं है बस चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए ये आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब बाकी के जो शेष क्वेश्चन दोस्तों बचे हुए हैं वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आज का सेशन कैसा लगा भाई सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको जो है दोस्तों सही समय पर मिल सके दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लो जिस पर दोस्तों आपको क्या करते हैं जिसपे आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों वन लाइनर आपको जी के के क्वेश्चन मिलते हैं वन लाइनर जी साथ ही साथ आपको डेली जी के की क्विज के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और साथ साथ में आपको भाई नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं ये सभी आपको व्हाट्सअप चैनल पर दोस्तों हम प्रोवाइड कराते हैं तो व्हाट्सअप चैनल से आप लोग जरूर जुड़ लीजिएगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा व्हाट्सअप चैनल को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया भाई जाके ज्वाइन कर लो जहाँ पर आपको डेली जी के के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आपको वन लाइनर जी के वहाँ से मिल जाएगी ठीक है भाई और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है पी चाहिए तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना तो चलिएगा भाई सभी को धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए सभी लोग खुश रहें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहेंगे भाई ठीक है मैथ के लिए चिंता बिल्कुल भी ना करो समय से पहले कंप्लीट करवा देंगे ठीक है तो चलिएगा नेक्स्ट पार्ट टू कल में लेंगे शाम को पाँच बजे तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत धन्यवाद